हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल एम स्क्वायर लर्निंग अड्डा। आई एम मिथिलेश एंड टुडे वी टीच लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। मैं अपने इंट्रोडक्शन वीडियो में लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल के बारे में बता चुकी हूँ। व्हाट इज एक्सप्रेशन, व्हाट इज इक्वेशन, व्हाट इज लीनियर एंड व्हाट इज लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो आज हम शुरू करेंगे एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चंस की, उनको हम कैसे सॉल्व करते हैं। ट्रांसपोर्ट किसे कहते हैं? ट्रांसपोर्ट मतलब हमें जब किसी चीज को एक साइड से हम दूसरी साइड ले जाना, दूसरे का पक्षांतर करना, पक्ष को बदलना। पक्ष मतलब लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड में ले जाना या राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड में ले जाना, इसको हम कहते हैं ट्रांसपोर्ट या पक्षांतर। हम इसी मेथड को यहाँ पर यूज करेंगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। ये हमारा है एक्स प्लस एक्स माइनस 2 इक्वल्स टू 7। हमें यहाँ पर हमारा ये लीनियर इक्वेशन है क्योंकि यहाँ पर इक्वल्स टू का साइन है, इसलिए इक्वेशन है। और लीनियर इसलिए है क्योंकि एक्स वेरिएबल की पावर 1 है, और लीनियर इसलिए 1 वेरिएबल इसलिए है क्योंकि इसके अंदर केवल एक ही वेरिएबल यूज हो रहा है। तो ये हमारी है लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल, ठीक है। तो हम ट्रांसपोर्ट मेथड के लिए हमें x की वैल्यू यानी वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है, तो इस वेरिएबल को केवल एक ही यहाँ पर टर्म होना चाहिए तब हम इसकी वैल्यू निकाल पाएंगे। बट अभी यहाँ पर इक्वल्स टू के दोनों लेफ्ट हैंड साइड में कितने टर्म है? 2 टर्म है। जबकि जिस वेरिएबल की हमें वैल्यू निकालनी है वो अकेला टर्म होना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो हमारा माइनस 2 वाला टर्म है इसको हमें यहाँ से हटाना पड़ेगा। तो हम ट्रांसपोर्ट कर दें, मतलब हमने इसको दूसरी साइड में भेज दें। अभी किस साइड में है? ये लेफ्ट हैंड साइड में है, तो कहाँ ले जाए? राइट हैंड साइड में। अब यहाँ ये रूल होता है कि जब हम किसी भी टर्म को लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो उसका साइन चेंज हो जाएगा। साइन विल बी ऑलवेज चेंज। अगर वो प्लस है तो वो क्या बन जाएगा? माइनस बन जाएगा। माइनस है तो क्या बन जाएगा? प्लस बन जाएगा। मल्टीप्लाई है तो वो डिवाइड बन जाएगा, और अगर वो डिवाइड है तो वो मल्टीप्लाई बन जाएगा। चाहे वो लेफ्ट साइड से राइट साइड में आए या राइट साइड से लेफ्ट साइड में आए, किसी भी साइड में अगर उसकी साइड चेंज हो रही है तो उसका साइन चेंज होगा ही, ठीक है। तो अब हमें यहाँ पर x की वैल्यू निकालनी है, तो x के टर्म को हमें याद रखना है, माइनस 2 को यहाँ से रिप्लेस करना है या ट्रांसपोर्ट करना है। तो ट्रांसपोर्ट करके हम कहाँ ले जाएंगे? राइट हैंड साइड में ले जाएंगे। तो जैसे ही हम इसको यहाँ राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो यहाँ क्या पर है, यहाँ रिमेनिंग क्या रहेगा? x इक्वल्स टू 7 पहले भी राइट में था तो अभी भी कहाँ है? राइट में ही रहेगा। हम माइनस 2 को ट्रांसपोर्ट करके राइट हैंड साइड में ले जा रहे तो साइन क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। तो बन गया एक्स इक्वल टू 7 प्लस 2, तो एक्स इक्वल टू 9। हमारा एक्स की वैल्यू हो गई 9, ठीक है। अब हम चलिए देखते हैं एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 2 पर। यहाँ पर है ये वाई प्लस 3 इक्वल टू 10। फिर वही हमारे यहाँ पर ये लीनियर इक्वेशन है, 1 वेरिएबल भी है और लीनियर भी है और इक्वेशन भी है। हमें यहाँ पर y की वैल्यू निकालनी है, तो मैंने क्या कहा था, इक्वेशन में जिसकी भी हमें वैल्यू निकालनी होगी उस तरफ हमारा केवल एक ही टर्म होना चाहिए। अभी यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में कितने टर्म है? 2 टर्म है। तो हम दूसरे वाले टर्म को यहाँ से रिप्लेस कर दें या ट्रांसपोर्ट कर दें। तो किसको ट्रांसपोर्ट करेंगे? प्लस 3 को। तो प्लस 3 जब हमारा राइट हैंड साइड में जाएगा तो उसका साइन क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। चेंज होकर के क्या हो जाएगा? माइनस 3। तो यहाँ पर हमारे पास क्या रहता है? वाई रह जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में, इक्वल्स 10 पहले भी राइट में था तो अभी भी राइट में रहेगा। हम माइनस 3 को ट्रांसपोज कर रहे हैं तो ये हो जाएगा माइनस 3। अब y इक्वल्स टू 7, आंसर आ गया y इक्वल्स टू 7। ये हमारा आंसर है, ठीक है। इस तरीके से अब हमारे पास हम ये देखें तो हमारा ये टिपिकल एक टाइप का क्वेश्चन है, और इसमें हमारे बहुत सारे टाइप होते हैं तो हमें थोड़ी सी चीजें याद रखनी होती है। ये वो टाइप है जिसमें वेरिएबल केवल 1 साइड में है। कौन सा टाइप है? जिसमें वेरिएबल ओनली इन 1 साइड, ठीक है। ध्यान रखिएगा, मैं लास्ट में पूछूंगी आपने कितने टाइप्स पढ़े हैं इस चैप्टर में, ओके। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा 6
इक्वल्स टू जेड प्लस टू। अब वेरिएबल जिसकी हमने वैल्यू निकाली है वो किस साइड में है, राइट हैंड साइड में है। तो राइट हैंड साइड में केवल हमें जेड का टर्म रखना है, तो हमें किसको ट्रांसपोर्ट करना है, माइनस टू को। तो माइनस टू किस तरफ चला जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड में। तो सिक्स पहले भी इधर ही था, माइनस टू इधर आ गया, प्लस टू ट्रांसपोर्ट हो गया, माइनस टू इक्वल्स टू जेड। तो यहाँ पर आ गया फोर इक्वल्स टू जेड। हमारी जेड की वैल्यू कितनी आ गई, फोर। ये बात आपको समझ में आ गई, जब भी किसी टर्म का हम ट्रांसपोर्ट करेंगे उसका साइन हमेशा चेंज हो जाएगा, प्लस चेंज होगा माइनस में, माइनस चेंज होगा प्लस में, मल्टीप्लाई चेंज होगा डिवाइड में, एंड डिवाइड चेंज होगा मल्टीप्लाई में। अब देखिए क्वेश्चन नंबर फोर, थ्री अपॉन सेवन प्लस एक्स इक्वल टू सेवनटीन अपॉन सेवन। अब देखिए हमारा ये क्वेश्चन भी, इसमें भी वन साइड वेरिएबल इन वन साइड है, बट बच्चे यहाँ देख करके थोड़ा सा परेशान हो जाते हैं, मैम तो फ्रैक्शन के फॉर्म है, तो व्हाई यू आर इन प्रॉब्लम। आप इतना परेशान क्यों हो रहे हैं भाई, अगर ये फ्रैक्शन के फॉर्म है तो फ्रैक्शन का सॉल्यूशन तो आपने पहले सीखा ही है। और अगर आपको फ्रैक्शन के सॉल्यूशन की प्रॉब्लम होती है तो मेरा एक वीडियो है सिंप्लीफिकेशन, आप उसको एक बार थोड़ा सा और देख लीजिएगा। अब देखिए तो क्या करना है हमें, एक्स की वैल्यू निकालनी है तो थ्री बाई सेवन को यहाँ से ट्रांसपोर्ट करना है, तो क्या रह जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में, एक्स इक्वल्स टू सेवनटीन अपॉन सेवन, पहले भी हमारे राइट हैंड साइड में था, लेकिन थ्री अपॉन सेवन हमारे कहाँ जाएगा, राइट हैंड साइड में। अब मैं ये पूछना चाहती हूँ, आप बताइए थ्री अपॉन सेवन के आगे साइन कौन सा है। बहुत सारे स्टूडेंट्स को यहाँ भी प्रॉब्लम आती है, हमें हमेशा देखना होता है इसके आगे कौन सा साइन है, कभी भी पीछे वाले साइन को हम उसका साइन नहीं देंगे। अब यहाँ पर तो हमारे आगे भी कोई साइन नहीं है, किसी नंबर के आगे अगर कोई भी साइन नहीं है इट मीन्स वो पॉजिटिव है, क्योंकि नेगेटिव होगा तो माइनस लगाना बहुत जरूरी है, अगर कुछ नहीं लगा इट मीन्स वो पॉजिटिव है। तो अगर ये पॉजिटिव है, अगर ये पॉजिटिव है तो ट्रांसपोर्ट होकर क्या हो जाएगा, माइनस थ्री अपॉन सेवन। अब यहाँ देखिए फ्रैक्शन का हमने रूल पढ़ा है कि वेन डिनोमिनेटर आर सेम, तो डिनोमिनेटर को एक बार लिख लीजिए और दोनों डिनोमिनेटर को सॉल्व कर दीजिए, दोनों डिनोमिनेटर हमारे सेवन और सेवन है तो सेवन लिख दिया, तो लिखिए सेवनटीन माइनस थ्री एक्स इक्वल्स टू फोर्टीन अपॉन सेवन, सेवन इन द सेवन, सेवन टू था फोर्टीन, एक्स इक्वल्स टू टू, एक्स की हमारी क्या वैल्यू आ गई, टू। एक्स की वैल्यू क्या है हमारी, टू। यहां तक आपको ये क्लियर हो गया। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर फाइव, फाइव क्वेश्चन हमारा सिक्स एक्स इक्वल्स टू ट्वेल्व। अभी आपने जो पहले के चार क्वेश्चन किए हैं उसमें आपने देखा होगा कि यहाँ पर या तो लेफ्ट हैंड साइड में या फिर राइट हैंड साइड में दो टर्म आ रहे थे, एक ही तरफ सिंगल वन साइड में वेरिएबल था वो बात ठीक है, बट वहां पर दो टर्म आ रहे थे, लेकिन अब यहाँ पर क्या है केवल एक टर्म है। अब एक टर्म है तो हमें किसी भी दूसरे टर्म को ट्रांसपोर्ट करने की जरूरत नहीं है, बट ट्रांसपोर्ट अभी करना है, किसको करना है वो देखिए। अब हमें यहाँ पर वैल्यू किसकी निकालनी है, कौन से वेरिएबल है, एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो एक्स के साथ सिक्स किस फॉर्म में लिखा है आपको सबसे पहले तो ये पता रखिए, सिक्स एक्स लिखा है इसका मतलब क्या है, आप ये समझ लीजिए दो नंबर के बीच में अगर कोई साइन है इट मीन सिक्स मल्टीप्लाई बाय एक्स होता है। आपको ये ध्यान रखना है, आपको लिखना नहीं है, बट अभी आपको सिखाने के लिए मैं यहाँ पर लिख रही हूँ, तो सिक्स मल्टीप्लाई बाय एक्स। अब मुझे यहाँ से एक्स की वैल्यू निकालनी है तो सिक्स को यहाँ से मुझे ट्रांसपोर्ट करना पड़ेगा, ट्रांसपोर्ट करूंगी तो सिक्स मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म में है तो कहाँ जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा, किस साइड में, अगर ये लेफ्ट साइड में है तो ये राइट हैंड साइड में डिवाइड के फॉर्म में चला जाएगा, और अगर ये राइट साइड में होता तो ये लेफ्ट हैंड साइड में डिवाइड के फॉर्म में चला जाता, तो ये हो जाएगा एक्स इक्वल्स टू ट्वेल्व अपॉन सिक्स, एक्स इक्वल्स टू ट्वेल्व अपॉन सिक्स, सिक्स से ट्वेल्व कर जाएगा तो आ गया एक्स इक्वल्स टू टू, हमारा आंसर आ गया एक्स इक्वल्स टू टू। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स की तरफ, सिक्स क्वेश्चन नंबर सिक्स हमारा है टी अपॉन फाइव इक्वल्स टू टेन। अब एक बार और यहां देखिए, t अपॉन फाइव का क्या मतलब है,
टी डिवाइडेड बाय 5। सिंगल ए की टर्म है, डिवीजन के फॉर्म में है, वन साइड में हमारा वेरिएबल है। तो हमने क्या पढ़ा था कि अगर हमारे पास केवल एक टर्म है और अब यहाँ पर ये डिवाइड के फॉर्म में 5 है तो ये कहाँ चला जाएगा, डिवाइड वाला नंबर ट्रांसपोर्ट होके मल्टीप्लाई बन जाएगा। तो यहाँ पर क्या रह जाएगा, केवल यहाँ पर रह जाएगा केवल टी इक्वल्स टू 10, यानी राइट हैंड साइड में ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो टी इक्वल्स टू 10 × 5, 10 × 5 = 50, टी की वैल्यू आ गई 50। क्लियर, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ये हमारा एक वन साइड में तो है, बट अगर वन टर्म है तो हम कैसे सॉल्व करते हैं। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7। सेवेंथ क्वेश्चन है हमारा 2x/3 = 8। अगर हम अब इस नंबर को हम ध्यान से देखें तो x के साथ में 2 किस फॉर्म में है, अभी मैंने बताया था क्वेश्चन नंबर 6 में 2 नंबर लिखे हैं, तो इसका मतलब कोई साइन नहीं होता मल्टीप्लीकेशन में, बट 3 का लिखा है डिवीजन में, तो यानी ये डिवाइड के फॉर्म में है। हमें x की वैल्यू निकालनी है तो मल्टीप्लाई वाले को हम कहां ले जाएंगे, डिवाइड में, और डिवाइड वाले को कहां ले जाएंगे, मल्टीप्लाई में। आपको डायरेक्ट ही ले जाना है, आप यहाँ कर देंगे x = 8, 3 डिवाइड में था तो हो जाएगा मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई वाला चला जाएगा डिवाइड में। आप पहले मल्टीप्लाई मत करिए, देखिए जब भी हम मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन करते हैं तो पहले आप उनको सिंप्लीफाई कर लीजिए, कैंसिल कर लीजिए, क्योंकि कैंसिल करने से वो डेफिनेटली कहीं ना कहीं छोटे हो रहे होंगे, तो छोटे होने से आप इजीली उनको मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल लें। आप मल्टीप्लाई के पहले बड़ा कर लेंगे फिर डिवाइड करेंगे तो आपके मैम डिवाइड ही नहीं आ रहा। तो कई बार ऐसे प्रॉब्लम आते थे, 2 × 4 = 8, तो हमारे पास आ गया 4 × 3, 4 × 3 = 12, एक्स की वैल्यू आ गई हमारी 12। यहां तक आपको आई होप आपको आज का मेरा लेक्चर एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चन समझ में आए होंगे। कीप वॉचिंग, थैंक यू।